Students, today we are continuing this chapter with your R.K. Singla book, and we are starting from the book reading because it's more important. Because at the time, कुछ समय बाद आप क्या करोगे, books purchase करोगे, आप उसमें पढ़ने की कोशिश करोगे, तो कुछ ऐसे होते हैं, phrases आ जाती हैं जो आपको थोड़ी problem create करती हैं. So basically, बेटा book तो अभी आपके पास available होंगे ही नहीं, और so आप बुक भी आपको पढ़ानी जरूरी है, बुक से भी रीडिंग जरूरी है आपकी. सो आई एम टेकिंग अ बुक और आप इसी में से ही क्या करोगे, मेरे साथ इसको स्टडी करोगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज बिजनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का क्या मीनिंग है? अगर हम बात करते हैं इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस, रिस्ट्रिक्टेड सेंस का क्या मतलब होता है? जब उस पर कुछ दायरे लग जाते हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज, बिजनेस को क्या ट्रीट किया जाता है? एज अ परचेज एंड सेल्स, खरीदना और बेचना थिंग्स को, चीजों को. बट इन ब्रॉडर सेंस, अगर हम ब्रॉड सेंस के अंदर बात करते हैं, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. सम टोटल है बिजनेस किसका? उन सभी एक्टिविटीज का विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कहां से शुरू होते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने से, उनका निर्माण करने से. एंड सर्विसेज ड्रॉ टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर. इसमें आपको किस चीज के बारे में इसमें ज्यादा हाईलाइट किया है? द पॉइंट विच इज हाईलाइटेड हियर इज कि पहले क्या कहा जाता था बेटा, पहले ये कहा जाता था, अगर हम बात करते हैं नैरो सेंस की, ठीक है, नैरो सेंस यानी कि रिस्ट्रिक्टेड. अगर हम बात करते हैं नैरो सेंस के अंदर यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सेंस के अंदर, तो उसके अंदर अगर बात की जाए व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस को अगर वो डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर बिजनेस को सिर्फ सेल और परचेज एंड भी यूज कर सकते हो आप, सेलिंग एंड परचेज के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता था. बिजनेस सिर्फ इन दो वर्ड्स तक ही कन्फाइंड था. अगर पूछा जाता उस टाइम पे तो नैरो सेंस के अकॉर्डिंग क्या कहते, व्हाट इज बिजनेस, सेल एंड परचेज इज बिजनेस. बट टुडे द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज कम्प्लीटली चेंज. आज के टाइम के अंदर बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीट चेंज हो गई. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है या सम ऑफ एक्टिविटी है, अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर सेंस के अकॉर्डिंग, इफ यू टॉक अबाउट द ब्रॉडर सेंस. तो बेटा अगर हम ब्रॉडर सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बिजनेस के अंदर ऑल एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जो कहां से शुरू होती हैं, फ्रॉम द टास्क टेकिंग प्रोडक्शन, यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं प्रोडक्शन शुरू करते हैं, वहीं से ही हमारी बिजनेस शुरू हो जाता है. प्रोडक्शन से ही, प्रोडक्शन की एक्टिविटी से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और ये उन सभी एक्टिविटीज से कनेक्टेड रहता है जब तक कि क्या कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं भिजवाया जाता है, यानी कि तब तक ये चलता रहता है जहां तक प्रोडक्ट क्या है, कंजम्पशन प्लेस तक. इट्स कंजम्पशन प्लेस तक क्या है वो पहुंचता है. अब प्रोडक्शन जो है बेटा, प्रोडक्शन के पी से कंजम्पशन के सी तक बहुत सारे काम होते हैं प्रोडक्शन के अंदर ही. अगर मैं आपको गिनवाऊं तो देखो आप इसको, सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करना, ठीक है, इम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट करना, मशीन्स को इंस्टॉल करना, मशीनों के अंदर रॉ मटेरियल डालकर मशीन से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना, फिर उसको स्टोर करके रखना. क्यों? क्योंकि स्टोरिंग बहुत जरूरी है बेटा. उसको स्टोर रखना किस लिए? क्योंकि देखो, जैसे ही हमें जरूरत होती है तभी उन चीजों का निर्माण नहीं किया जाता है. अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सी अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, ईच एंड एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड, हर किसी को कूलिंग के लिए क्या है, कूलर की रिक्वायरमेंट. जो कूलर बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या वो अभी गर्मी के सीजन में कूलर बनाएंगी? तो बेचेंगे कब बेटा वो? सर्दियों में.
जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को पहले से ही, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ पेमिशिप पर जो आपके पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तो बेटा जल्दी प्रोड्यूस करके इमिडिएट उनको सेल किया जाता है, बट मैक्सिमम जो गुड्स होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड अर्लियर, उन सभी गुड्स को अर्लियर पहले ही क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उनको बनाया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद में जैसे जैसे मार्केट में उसकी नीड होती है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन उन्हें क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो आप देखिए इसके अंदर सारी चीजें दे रखी है, कौन सी एक्टिविटीज जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग, यानी कि सभी एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है जब तक कस्टमर को कंजम्पशन तक क्या है पहुंचाया उसको जाता है, मार्केट में सेल होता है। इसके बाद में डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने आपको दी है नोट्स में भी, वही डेफिनेशन है और आपको ईजी है इसलिए यही लर्न करनी है कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो क्या है कंडक्ट की जाती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, किस पर्पज के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, चीजों को प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके, उनका सेल करके। अब इसके बाद में आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा उसकी विशेषताएं, मैंने कल आपको करवाया था, बट वी आर नाउ स्टडिंग दीज पॉइंट्स इन वेरी डिटेल। ओके, वंस टाइम डिटेल्स में तो आपको बता भी दिया गया था, बट एक बार बुक से रीड करने पे थोड़ा आपको भी, बुक से जब भी लर्न करोगे थोड़ा हैबिचुअल रहोगे। देखिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करके हमें क्या होती है, मॉनेटरी अर्न होती है। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर खाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, किसके लिए, अर्निंग्स मनी, पैसे को कमाने के लिए। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर इन ऑर्डर टू कॉल्ड बिजनेस। तो बेटा ये इसमें देखना जरूरी है कि एक ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज क्या करता है, परफॉर्म करता है, वो इकोनॉमिक नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, यानी कच्चा जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो किसी होलसेलर से परचेज करके लेके आता है, फिर वो कस्टमर्स को सेल करता है, तो ऑब्वियसली वो होलसेलर से लेके आएगा, वो लेस प्राइसेस में लेकर आएगा, आपको जो सेल करेगा इट विल बी ऑन द हाई प्राइसेस, वो ज्यादा प्राइसेस में होंगे ताकि उसे क्या मिले, उसका बेनिफिट मिले, उसे उसका प्रॉफिट मिले। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना, एक्सचेंज करना, इन किस क्या है, इसेंशियल है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इफ एन इंडिविजुअल, अगर क्या है, एक इंडिविजुअल परचेज करता है थिंग्स को, सर्विसेज को, फॉर किस चीज के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। यानी कि जब वो चीजों को खरीदता है, जैसे कि हम जाते हैं मार्केट के अंदर, जाते हैं क्या करते हैं, परचेज करते हैं जो चीजें हमें चाहिए, जिन चीजों को हमें यूज करना है फॉर आर पर्पज, फॉर आवर कंजम्पशन, हम उन चीजों को क्या करते हैं बेटा, परचेज करते हैं, तो वो क्या है, दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, वो उनको यूज हम करते हैं, उनको सेल करके हम प्रॉफिट उनसे थोड़ी ना अर्न करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शॉपकीपर क्या करता है, परचेज करता है, व्हाट ही परचेज, सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, अपने घर के यूज के लिए अगर वो परचेज करता है, तो दीज एक्टिविटीज विल नॉट कॉल्ड बिजनेस। तो इन एक्टिविटीज को कभी भी बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बट अगर वो क्या करता है, परचेज करता है सेम मटेरियल फॉर सेलिंग, उसको सेल करने के लिए शॉप के अंदर अगर वो बेचने के लिए ले रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस, तभी उसी को बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। और एक और कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की, कि बिजनेस जो होता है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर किया जाता है। Now you are the next point is here, which I am talking about, that the business is done on regularity in dealing. रेगुलरिटी इन डीलिंग, बिजनेस के अंदर क्या जरूरी है, रेगुलरली उनके अंदर डीलिंग होनी चाहिए। इन बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज डन रेगुलरली, जो क्या है, रेगुलरली डेली की जाती है। दैट इज आई क्या होता है बेटा, दैट इज परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन। तो सेल एंड परचेज की जो ट्रांजेक्शन है वो उसे डेली करनी पड़ती है। बट
इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर, अगर ये एक्टिविटीज क्या है रेगुलर नहीं की जाती है, बट इंटरमीडिएटेड यानी कि जब उसमें रेगुलर ना होकर उन्हें थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर क्या है किया जाता है, देन इट इज डजेंट कम्स अंडर द बिजनेस, तो उसको बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाता। मान लो एक व्यक्ति है, उसने शॉप कर रखी है, वो हफ्ते में 10 दिन, महीने में 10 दिन क्या कर रहा है, शॉप ओपन कर रहा है, फिर वो बंद है, फिर उसके बाद, तो बेटा दैट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि वो रेगुलरली थोड़ी ना हो रही है, इट वॉज क्लोज डाउन फॉर अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन सेल His old scooter and purchase, एक पर्सन अपनी पुरानी स्कूटर बेचकर नया खरीद लेता है, तो ये सेल एंड सेल और परचेज की तो एक्टिविटी हुई, बट ये क्या है, एबसेंस है इसके अंदर, रेगुलरली वो डील नहीं करते हैं, रेगुलर स्कूटर नहीं खरीदते और बेचते हैं, सो इट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस क्या होगा, जब जो डीलिंग्स है उनके अंदर रेगुलरिटी पाई जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल्स एज बिजनेस, अगर किसी भी परचेज और सेल को खरीद और बेचने को अगर हमें बिजनेस कंसिडर करना है, तो ये हमारे लिए इसेंशियल है, आवश्यक है, दैट द पर्पस ऑफ पर्सन कंसर्न, तो उस सेल एंड परचेज से जो पर्सन का पर्पस है, उद्देश्य है, कंसर्न है, जुड़ा हुआ किससे हो, वो टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस, कई बार जब हम एफर्ट्स करते हैं लाभ के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन वी गेट लॉस, हमें कुछ लॉस मिलता है, इट कैन बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस, तो ये क्या है, इट कांट बी, ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि इफ वी हैव लॉस, अगर हमें लॉस हो जाए तो हम क्या कहें कि ये बिजनेस नहीं है। बेटा जैसे एक कॉइन के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, हेड होता है और टेल होता है, जस्ट वैसे ही बिजनेस हैज इट्स टू साइड्स, बिजनेस की टू साइड्स होती है, फर्स्ट इज द प्रॉफिट, एक क्या होती है उसकी साइड बेटा प्रॉफिट होती है, और उसकी दूसरी जो साइड है दैट विल बी द लॉस, आइदर देयर विल बी प्रॉफिट और देयर विल बी लॉस, या तो हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या हमें बिजनेस के अंदर क्या होगा, लॉस होगा, तो ये दो चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर क्या होती रहती है, चलती रहती है, और इन दोनों ही चीजों के अंदर नेक्स्ट पॉइंट में भी आपके पास अभी आने वाला है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट रिस्क, बिजनेस के अंदर ऑलवेज रिस्क रहता है। रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, रिस्क को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो व्हाट इज रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, रिस्क का मतलब होता है लॉस होने के जो चांसेस होते हैं दैट इज रिस्क, और ऑलवेज चांसेस रहते हैं, इट डजंट हैव एनी गारंटी दैट इफ यू आर डूइंग बिजनेस टू यू ऑलवेज गेट अ प्रॉफिट, ये तो बेटा कोई बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत तरह की चीजों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है, तो बिजनेस के अंदर ऑलवेज क्या है, दोनों चीजें रहती हैं। बिजनेस के अंदर रिस्क किसकी वजह से आता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड निश्चितता की वजह से रिस्क होता है। बेटा फ्यूचर हमारा कैसा होगा, व्हाट विल बी द आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है, वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट आवर फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते हैं, आज मे बी दैट थिंग्स विल हैपन और दैट मे नॉट बी हैपन, सो दैट इज वाई देर इज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी रिस्क इज अराइज एंड रिस्क क्रिएट्स लॉस एंड रिस्क क्रिएट्स लॉस होता है हमारे पास। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि वी कैन ओनली डू द एफर्ट्स, हम एफर्ट्स कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस रिस्क, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, बट वी कांट एलिमिनेट दिस रिस्क फ्रॉम द बिजनेस, ये रिस्क कभी भी बिजनेस से एलिमिनेट नहीं हो सकता है। रिस्क एक किस तरह से आप कह सकते हो कि रिस्क इज लाइक दैट द साउल इन अ ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में जैसे साउल है, साउल निकाल देंगे तो इट विल बी कम्प्लीट फिनिश्ड, ठीक है, तो जस्ट वैसे ही होता है बिजनेस के अंदर, अगर रिस्क है तो इट मीन्स बिजनेस है, ठीक है, अगर रिस्क वहां से अगर निकल गया तो इट मीन्स बिजनेस विल बी कम्प्लीटली लॉक्ड डाउन, कंप्लीट बंद हो जाएगा। बेटा रिस्क जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज दैट इज धीरूभाई अंबानी, उनका थॉट यही था कि दैट ही हैज टू टेक मैक्सिमम रिस्क इफ ही वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, उनका ये थॉट था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिस्क उठाना है सो दैट आई गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। इफ अ पर्सन इज ऑलवेज कीप ट्राइंग टू डिक्रीज हिज रिस्क ऑब्वियसली इट्स प्रॉफिट विल बी
एट लोअर स्टेज. तो जितना वो कोशिश करेगा रिस्क को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ऑब्वियसली बात है कि बेटा उसको तो प्रॉफिट कम होगा ही. सो कम ऑन, प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रॉफिट इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी, अगर उसे क्या करना है, कंसिडर करना है एनी सेल एंड परचेज बिजनेस इज इसेंशियल टू दैट, उसके लिए असेंशियल है दैट द कंसर्न पर्पज वो क्या होना चाहिए, उसका पूरा होना चाहिए, दैट इज द प्रॉफिट. एंड समटाइम्स देयर विल बी सिचुएशन ऑफ लॉस, एंड वेन अ पर्सन गेट अ लॉस इट कांट बी सेट दैट इट विल नॉट कंसिडर्ड बिजनेस, कि ये बिजनेस नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकता है. द इसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट बी प्रपेल्ड बाय अ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट. यानी कि जब पर्सन एक्टिविटीज करता है, काम करता है, तो उसके ऑलवेज माइंड में तो एक चीज होती है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट होगा. ठीक है, कभी कोई ये सोचकर काम नहीं करता है कि अरे कर तो रहा हूं लॉस ही लेना है, इसलिए लॉस लेने के लिए कर रहा हूं. कोई करता है, कोई नहीं करता है. मतलब जो पर्सन काम करता है तो उसके इंटेंशंस क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करने की होती है. बट वो बात अलग हो जाती है बेटा कि इन फ्यूचर उसे क्या मिलता है, लॉस मिलता है. एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, बिजनेस डजंट बी Doesn't be considered a bed of roses. Business को कभी भी क्या है, bed of roses नहीं कहा जाता है. मतलब क्या इस phrase का, इस phrase का मतलब है कि always unpainful नहीं होता है business. There it means there are always not profit. There are thorns. उसमें कांटे भी होते हैं at every step. हर एक step के ऊपर it means that there are problems. वहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, एंड दस एंड दीज कैन बी द सोर्सेस ऑफ लॉस. और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, लॉस क्रिएट होता है. अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पनेस इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. एक छोटी सी मिस्टेक अगर हम करते हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसका सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का वो किया जाता है. प्रॉब्लम और कई बार ये प्रॉब्लम्स अगर सॉल्यूशन अगर उसका टाइमली नहीं हो पाता तो दीज प्रॉब्लम्स कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस. तो हेल्पनेस होपलेसनेस इज फाइंड. होपलेसनेस का मतलब यानी कि जब उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, देन हमारे जो कंप्लीट जो बिजनेस है ना वो कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है. सो वी कैन से दैट द प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड. बेटा साथ साथ चलते रहते हैं ये बिजनेस के अंदर, लाइक अप एंड डाउन ऑफ द लाइफ. जिस तरह से एक पर्सन के जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जस्ट ऐसे ही. नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, लेट मी फर्स्ट यू गिव द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. बेटा ये जो वर्ड है ना यूटिलिटी, अगर ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, वैसे तो ज्यादातर इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे अभी, यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ सैटिस्फैक्शन. हम क्या कहते हैं, किसी भी जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर जिस पर्पस के लिए हम उसको परचेज कर रहे हैं ना, उसके अंदर वो यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो पावर होनी चाहिए जिस नीड के लिए लिया जा रहा है, उस नीड को वो क्या करे, सैटिस्फाइड. सोप ले रहे हो आप, अगर वो आपके हाथों से जर्म्स ही नहीं निकाल रही है तो व्हाट इज द यूटिलिटी. वो यूटिलिटी का है जिस पर्पस के लिए वो है, जिस पर्पस के लिए वो चीज बनी है, वो उस पर्पस को क्या करे, पूरा करे, दैट इज द यूटिलिटी. देखिए, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल, अगर हम चाहते हैं कि जो चीजें हम बना रहे हैं वो सोसाइटी के लिए और ज्यादा क्या हो, यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, देयर यूटिलिटी इन एनहेंस्ड, तो उसकी यूटिलिटी क्या है उसमें होनी चाहिए, द पावर टू सेटिस्फाई By the efforts of the businessman, businessman efforts करता है उसको utilities में convert करने के लिए. From the economic point of view, अगर economic point of view से देखा जाए, utility is created, utility को create किया जाता है in various ways, like the utility of place, जगह की utility, यानी कि ये इसका मतलब क्या है बेटा, कि जहां हम रह रहे हैं हमारे आसपास वो चीजें मिले जिनको हम आसानी से खरीद सके. फॉर्म यानी कि उस फॉर्म में मिले जो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, यूज करना, टाइमली वो हमें प्रोवाइड हो जाए, ओनरशिप हमें उसकी मिल जाए. यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यूटिलिटी ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहां से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उस चीज को क्या करना, भिजवाना, उसको पहुंचाना. यूटिलिटी इज फॉर्म इज क्रिएटिंग का मतलब होता है चेंज करना, उसका जो साइज है उसकी फॉर्म है, यानी कि किस पर्पस में, जिस तो फॉर्म में हम यूज करना चाहते हैं उस फॉर्म में हमें वो चीज मिलनी चाहिए. यूटिलिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि क्रिएटेड बाय स्टोरिंग, स्टोर करके रखते हैं, जैसे ही वो मार्केट में सर्कुलेट करनी, इमीडिएट स्टोर से निकाला और मार्केट के अंदर सर्कुलेट टू द सेल. और
अज्यूमिंग दैट द गोडाउन एट यूटिलिटी, मतलब ये आपको स्टोर दे रखा है तो उसके लिए हम गोडाउन को यूज करते हैं, ठीक है, और वेयर हाउस भी कह सकते हैं हम यहाँ पर गोडाउन को. एंड द यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप, जिसको परचेज हम सेल कर सकते हैं, उसकी जो ऑनरशिप है उसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑनरशिप. नाउ द लास्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. द एम ऑफ बिजनेस शुड बी, बेटा एक बिजनेस का जो एम है वो खाली सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू द सेम उसके साथ साथ टाइम है कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, कि जो कस्टमर्स है वो भी खुश होने चाहिए उस प्रोडक्ट से, इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर कस्टमर्स अगर प्रोडक्ट से खुश नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को छोड़कर किसी राइवल कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देते हैं. सो इट इज यूजफुल थिंग, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के साथ साथ उसे कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है. इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस का जो एक्सपेंशन है, बिजनेस को हम जब बढ़ा रहे हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है. और हेंस और इसके साथ साथ बिजनेसमैन शुड टेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द, तो एक बिजनेसमैन को जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने चाहिए किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जैसे लोगों की क्या होती है बेटा पसंद है, जैसा लोग क्या करते हैं चाहते हैं वैसा उसे प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट ही गेट सक्सेस, ताकि उसे क्या मिले, सक्सेस मिले. नाउ द अनदर पॉइंट, द बिजनेस प्रोफेशन विल बी डू नेक्स्ट डे.